नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओरिजिनल ज्ञान में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज आप जानने वाले हैं स्वराज 744 XT के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से, तो वीडियो में बने रहना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके फ्रंट लुक की बात करें तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, काफ़ी हैवी बम्पर के साथ आपको ये गाड़ी सामने से मिल जाती है, जो कि इसका काफ़ी लंबा चौड़ा और कवर्ड बम्पर होता है। गाड़ी के ऊपर बिल्कुल खरोच भी नहीं आ सकती, इतना शानदार बम्पर के साथ ये गाड़ी आपको मिल जाती है। यहीं पे बिल्कुल सेंटर में आपको स्वराज की ब्रांडिंग मिल जाती है। इसकी शानदार हेडलाइट रात के अंधेरे में काफ़ी दूर तक रोशनी जाती है, किसान भाइयों को चलाने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। यहीं पे हम इसके साइड लुक की बात करें मेरे प्यारे किसान भाइयों, तो आप देख सकते हैं स्वराज 744 XT की ब्रांडिंग मिल जाती है। इसके ठीक नीचे आपको 4-स्टार रिवर्स PTO की भी ब्रांडिंग इस गाड़ी के ऊपर मिल जाती है। यहीं पे आप देख सकते हैं मेरे किसान भाइयों, पावर स्टीयरिंग के साथ ये गाड़ी आपको मिल जाती है। इसी के टायर साइज की बात करें मेरे किसान भाइयों, तो 750/16 का आपको अगला टायर मिल जाता है। यहीं पे हम इसके पिछले टायर की बात करें मेरे किसान भाइयों, तो 14/9/28 का आपको पिछला टायर मिल जाता है, जो कि काफ़ी हैवी ड्यूटी के साथ इसका टायर आपको मिल जाता है। यहीं पे हम इसके इंजन की बात करें मेरे किसान भाइयों, तो 3 सिलेंडर में 3478 cc में इसका इंजन मिल जाता है, जो कि काफ़ी हैवी इंजन के साथ ये गाड़ी आपको मिल जाती है। इसके फ्यूल टैंक की बात करें मेरे किसान भाइयों, तो 50 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। डीजल खपत की बात करें तो मात्र 4 से 4.5 लीटर घंटे के हिसाब से इसका डीजल खपत है। फ्यूल टैंक के साथ आपको वाटर सेपरेटर भी मिल जाता है। डीजल टैंक में अगर पानी वगैरह चला जाए तो आप यहां से इसको खोल के डीजल का पानी भी निकाल सकते हैं। काफ़ी शानदार पायदान दिया गया है किसान भाइयों को ऊपर चढ़ने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहीं पे हम इसके सीट की बात करें तो एडजस्टेबल सीट मिल जाती है। किसान भाई अगर चाहें तो अपने कद काठी के अनुसार आगे पीछे और ऊपर नीचे भी इस सीट को कर सकते हैं। इसके गियर की बात करें तो आप देख सकते हैं मेरे किसान भाइयों, सेंटर गियर के साथ मिल जाती है ये गाड़ी। 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर के साथ ये गाड़ी आपको मिल जाती है। इसके स्टीयरिंग की बात करें तो पावर स्टीयरिंग, बहुत ही शानदार स्टीयरिंग के साथ आपको मिल जाती है ये गाड़ी। स्टीयरिंग के ऊपर ही इसका हॉर्न दिया गया है, ताकि चालक को चलाने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। मैनुअल मीटर के साथ ये गाड़ी आपको मिल जाती है, जो कि टोटल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर शो करता है। यहीं पे आप देख सकते हैं मेरे किसान भाइयों, हैंड एक्सलेटर और पैर एक्सलेटर दोनों के साथ ये गाड़ी आपको मिल जाती है। इसके ठीक यहां पे अगर ब्रेक की बात करें मेरे किसान भाइयों, तो ब्रेक का हैंड ब्रेक भी दिया गया है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से ब्रेक को लॉक भी कर सकते हैं और ब्रेक को यहाँ से खोल भी सकते हैं, ये सुविधा भी इस ट्रैक्टर के अंदर दिया गया है। पैर को रेस्ट देने के लिए यहाँ पे आपको पायदान भी दिया गया है। आप देख सकते हैं मेरे किसान भाइयों, मोबाइल चार्ज करने के लिए आपको मोबाइल चार्जर भी इसके अंदर दिया गया है। यहाँ पे आप लगा करके मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, और इसके अंदर आप अगर चाहें तो मोबाइल रख के ऐसे लॉक कर दें, कितनी भी बारिश आदि तूफान होते रहे इसके अंदर पानी में भीगने की समस्या नहीं आ सकती है। रिवर्स में आप देख सकते हैं मेरे किसान भाइयों, बहुत ही शानदार आपको हेलोजन हेडलाइट दी गई है, जो कि यहां से इस लाइट को ऑन आप कर सकते हैं, जो कि इसकी रात के अंधेरे में रोशनी काफ़ी दूर तक जाती है, किसान भाइयों को कोई भी काम करने में असुविधा नहीं होती है। साइड इंडिकेटर भी आपको बहुत ही शानदार दिया गया है। यहीं पे आप देख सकते हैं किसान भाइयों के लिए बाटल होल्डर की भी सुविधा इसके अंदर दिया गया है। रात के चलाने के लिए इस गाड़ी के अंदर रिफ्लेक्टर भी दिया गया है। यहीं पे हम इसके बात करें हिच की, तो काफ़ी शानदार और मजबूत हिच के साथ, एडजस्टेबल हिच के साथ ये गाड़ी आपको मिल जाती है।
इसके डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो मल्टीप्लाऊ वगैरह लगाने के लिए आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ये गाड़ी मिल जाती है। आप देख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर अलग से लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहीं पे हम इसके लिफ्ट क्षमता की बात करें मेरे किसान भाइयों, तो 44 HP में आपको लिफ्ट क्षमता और 2000 kg वजन उठाने की क्षमता इस लिफ्ट के अंदर दिया गया है। पहले इसकी लिफ्ट जो है आप देख सकते हैं चैन के साथ आया करती थी, अब जो है काफ़ी हैवी दे दिया है, एडजस्टेबल, जो कि प्ले नहीं हो सकती, जहां चाहें वहां आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार एक्साइट की बैटरी मिल जाती है और कवर्ड के साथ ये बैटरी दिया है। इसमें भी आप देख सकते हैं स्वराज की ब्रांडिंग दी गई है इसके कवर्ड के ऊपर, और यहाँ से आप अच्छे से इसको लॉक कर सकते हैं। कहीं भी गाड़ी छोड़ दें तो इसमें चोरी चकोरी होने का डर नहीं रहता है। इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें मेरे किसान भाइयों, तो 6,98,000 से लेकर के 7,50,000 रुपये तक में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। अलग अलग जगह के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे किसान भाइयों कि आप लोगों को हमारी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल ओरिजिनल ज्ञान को लाइक शेयर, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप इस गाड़ी को लेना चाहते हैं, टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, तो जबलपुर रोड पे बॉलीवुड सिनेमा के ठीक सामने अपना कृषि केंद्र के नाम से इनका शोरूम है, यहाँ पे आकर के इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव और परचेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।